हाय दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे स्नैपचैट की फ़ोटो गैलरी में कैसे सेव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और स्नैपचैट यहां पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको स्नैपचैट का कैमरा ओपन हो जाएगा और यहां पे आपको ऊपर में प्रोफाइल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेड कलर में आपको सेटिंग है, तो इस सेटिंग के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद सेटिंग का पेज आपको ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आएंगे तो आपको एक मिलेगा मेमोरीज लिखा हुआ, तो आपको मेमोरीज के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा सेव बटन लिखा हुआ, तो आपको यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा दूसरा नंबर पे मेमोरीज एंड कैमरा रोल लिखा हुआ, तो यहाँ पे मेमोरीज एंड कैमरा रोल के ऊपर यहाँ पे टिक मार्क इस तरह आपको कर देना है। करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ऊपर में आप यहाँ पे सेव बटन जहाँ पे है लिखा हुआ, तो आपको सेव बटन के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, तो आपका सेव हो चुका है। सेव होने के बाद आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेव बटन के बाजू में, तो आपको यहाँ पे मेमोरीज एंड कैमरा रोल लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आपको बैक आ जाना है और यहाँ पे मैं एक फ़ोटो यहाँ पे ले लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ पे एक फ़ोटो मैं इस तरह बीच वाला जो आपको बड़ा वाला आइकन वाइट वाला दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका फ़ोटो, और यहाँ पर लोकेशन को अलाउ नहीं करना चाहिए तो डू नॉट अलाउ कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे एक मिलेगा यहाँ पर सेव लिखा हुआ, और यहाँ पर सेव के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। सेव होने के बाद यहाँ पे आपको सेव के ऊपर टिक मार्क लग जाएगा, मतलब आपका ये फ़ोटो सेव हो चुका है गैलरी में। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे गैलरी ओपन कर लेते हैं अपना। ये रहा हमारा गैलरी, तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे गैलरी में सेव हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो कर दीजिए लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल का बटन जरूर।